हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो प्रेस्टीज कंपनी के ऊपर में रहेगा। दोस्तों जो प्रेस्टीज कंपनी का इंडक्शन है जिसका मॉडल नंबर है PAC 20.0, दोस्तों इसमें E2 की प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। जो प्रेस्टीज के सर्विस सेंटर में टेक्नीशियन भाई इसको रिपेयर कर रहे थे बट उनसे रिपेयर नहीं हो पाए तो मेरे पास सेंड किए। तो दोस्तों प्रेस्टीज के PAC 20 मॉडल में E1 और E2 का एरर कोड आता है। E1 का जो एरर कोड होता है वो लो वोल्टेज का होता है और जो E2 का एरर कोड होता है वो हाई वोल्टेज का होता है। ओके दोस्तों, आपको यहां पे बता रहा हूं कि जो E2 का एरर कोड होता है वो हाई वोल्टेज, कहने मतलब क्या होता है कि 255 वोल्ट से ज्यादा होगा तो E2 का एरर कोड आएगा डिस्प्ले में। अगर दोस्तों E1 का जो एरर कोड आएगा वो 170 वोल्ट AC रहेगा तो E1 का एरर कोड आएगा। ओके तो आप यहां पे देख सकते हैं कि मेरे पास ना लो वोल्टेज है ना हाई वोल्टेज है बट PCB में E2 का एरर कोड आएगा। दोस्तों इसको प्रेस्टीज सर्विस सेंटर में एक टेक्नीशियन में रिपेयर कर रहे थे, वो भी अच्छे खासे टेक्नीशियन भाई है, बट उनसे रिपेयर नहीं हो पाया। दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं और एक सिद्धांत समझ लो, इसको रॉन्ग सिद्धांत से रिपेयर करके बताऊंगा, कल गलत सिद्धांत से इसको रिपेयर करके आपको बताऊंगा कि E2 का एरर कोड को कैसे करेंगे। ओके तो सबसे पहले दोस्तों यहां पे देख सकते हैं कि मैंने यहां पे सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद दोस्तों यहां से मैं ऑन करूंगा तो डिस्प्ले में यहां पे देख सकते हैं कि E2 का एरर कोड आ जाएगा। ओके दोस्तों आपको यहां पे बता दूं कि मेरे पास AC सप्लाई 200 यहां पे समझ लो 30 के करीब वोल्टेज है। ओके यहां पे हमारे पास हाई वोल्टेज नहीं है बट PCB में हमारा हाई वोल्टेज का एरर कोड शो कर रहा है। ओके अब दोस्तों बात करने वाला हूं सबसे पहले कि यहां पे थोड़ा सा आपको थ्योरिकल आपको बता देता हूं कि यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना कि सबसे पहले जो E1 और E2 यानी हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का एरर कोड कहां से क्रिएट होता है। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि ये न्यूट्रल हो गया और ये हमारा फेस हो गया। ओके दोस्तों यहां पे न्यूट्रल लाइन से एक डायोड लगा रहता है 4007 और यहां पे एक फेस लाइन से लगा रहता है 4007, दोनों का यहां पे कैथोड पॉइंट ऑपोजिट में यहां पे शॉर्ट हो जाता है। ओके दोस्तों यहां पे हाफ ए रेक्टिफायर यहां पे रेडी हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहां पे तीन रेजिस्टेंस, दोस्तों यहां पे तीन रेजिस्टेंस कौन कौन से है, यहां पे आपको यहां पे मिल जाएगा R107, कहने मतलब क्या दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं कि 330 के रेजिस्टेंस जो 1 वाट में है। उसके बाद दोस्तों यहां पे एक 820 के रेजिस्टेंस लगेगा और यहां पे 820 के रेजिस्टेंस लगेगा। ओके दोस्तों बात करने वाले दोस्तों ये वाला जो रेजिस्टेंस है यानी R31 जो लिखा है ये लो वोल्टेज के यानी अगर ये रेजिस्टेंस ओपन रहेगा तो E1 का एरर कोड आएगा। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं कि R30 लिखा हुआ है, अगर ये रेजिस्टेंस ओपन रहेगा तो यहां पे आपका समझ लो E2 का एरर कोड आएगा। ओके अब बात करने वाले दोस्तों कि जो यहां पे 330 के रेजिस्टेंस, तो ये दोस्तों क्या होता है कि इसके माध्यम से वोल्टेज ड्रॉप करके दोनों रेजिस्टेंस में वोल्टेज जाता है। ओके ये दो सेक्शन में बढ़ता है, ये वाला समझ लो E2 और ये वाला E1। ओके अब बात करूं दोस्तों जो ये वाला रेजिस्टेंस है तो ये रेजिस्टेंस मान लो ओपन हो जाएगा तो क्या एरर कोड आएगा, ये रेजिस्टेंस अगर ओपन हो जाएगा तो यहां पे आपको E2 का ही एरर कोड शो करेगा। चाहे कोई सा भी PCB हो, मेन जो रेजिस्टेंस रहता है कि अगर मान लो ओपन हो जाता है तो हाई वोल्टेज का ही एरर कोड शो करता है। अब बात करें दोस्तों कि इसको रिपेयर कर रहे थे तो यहां पे सभी रेजिस्टेंस को चेक कर लिए हैं, वोल्टेज को भी चेक कर लिए, यहां पे देख सकते हैं कि बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने रेजिस्टेंस को चेक कर लिए और वोल्टेज को भी चेक कर लिया। उन्होंने मेरे को ये बोला था कि माइक्रो कंट्रोल IC की प्रॉब्लम मेरे को लग रही है बट क्या होता है दोस्तों कि कोई सा भी एरर कोड आता है 80% माइक्रो कंट्रोल IC खराब नहीं होता। अब दोस्तों आपको यहां पे गलत तरीके से मैं इसको रिपेयर करके बताऊंगा और 100% श्योर है कि रिपेयर जरूर हो जाएगा। अब दोस्तों क्या होगा कि यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, सबसे पहले आपको डायग्राम यहां पे आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा लास्ट में। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको 330 की रेजिस्टेंस लगा है, इसके माध्यम से वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होकर दोनों रेजिस्टेंस में जाता है। अब दोस्तों जो हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है E2 का है यानी हाई वोल्टेज का है। ओके तो दोस्तों आपको क्या करना है यानी समझ लो कि हाई वोल्टेज का नहीं मतलब क्या करना है, वोल्टेज को हमको और ज़्यादा ड्रॉप करना है। मान लो यहाँ पे 3 वोल्टेज, यहाँ पे समझ लो 3 वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है तो हमको यहाँ पे 2 वोल्टेज आना चाहिए, तो क्या करोगे आप रेजिस्टेंस के वैल्यू को बढ़ाओगे। ओके तो दोस्तों थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मान लो 330 की रेजिस्टेंस लगा है तो आपको क्या करना है सीधे 470 के रेजिस्टेंस को लगाना है। ओके दोस्तों सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जो रेजिस्टेंस है इसके वैल्यू को आपको चेक करके बताया तो कि इसके वैल्यू सही बता रही है। दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे रेजिस्टेंस के वैल्यू को यहाँ पे आपको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 330 के रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी शो कर रही है मल्टीमीटर में, तो यहाँ पे 330 की वैल्यू शो कर रही है। ओके दोस्तों आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आपको वैसे ही रिपेयर करना है। अब दोस्तों इसको क्या करूँगा, 330 के जगह पे वाटेज सेम है, 1 वाट की रेजिस्टेंस है, मैं 470 की रेजिस्टेंस लगाऊंगा। तो मल्टीमीटर में पहले चेक कर लेते हैं रेजिस्टेंस को, तो यहाँ पे भी 470 के शो कर रहे हैं। ओके दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पे 470 के रेजिस्टेंस लगाने के बाद में हमारा प्रॉब्लम जो होगा सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे वोल्टेज को ड्रॉप करने वाला हूँ। पहले यहाँ पे 3 वोल्टेज ड्रॉप कर रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस के वैल्यू को बढ़ा दूंगा तो वोल्टेज कुछ ज़्यादा ही ड्रॉप करने लगेगा। ओके तो दोस्तों क्या होता है कि ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के वैल्यू को बढ़ाते हैं। दोस्तों ये जो मेथड है गलत मेथड है, रॉन्ग मेथड है, बट यहाँ पे आपको क्या करना है रिपेयर करना है। ओके
मैं सीरीज में सप्लाई दूंगा, सीरीज में सप्लाई देने के बाद दोस्तों यहां से मैं ऑन करूंगा। ऑन करने के बाद दोस्तों यहां पे डिस्प्ले में E0 का एरर कोड आ जाएगा। पहले क्या रहा था हमारा E2 आ रहा था दोस्तों, E2 आ रहा, तो यहां पे क्या किया मैंने रेजिस्टेंस के वैल्यू को बढ़ा दिया। आपको कौन सा रेजिस्टेंस के वैल्यू को बढ़ाना यहां पे आपको डायग्राम में सबसे पहले बता रहा हूं। तो यहां पे सबसे पहले आप डायग्राम देख सकते हैं, डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा बहुत बेहतरीन तरीके। सबसे पहले दोस्तों यहां पे न्यूट्रल लाइन होता है मेन सप्लाई वाला, और यहां पे एल लाइन यानी फेस लाइन होता है। ओके दोस्तों, यहां पे उसके बाद में फेस लाइन से आगे बढ़ोगे तो एक 10 एम्पीयर का फ्यूज मिलेगा। दोस्तों फ्यूज मिलने के बाद दोस्तों आगे बढ़ोगे तो यहां पे एक 4060 डायोड मिलेगा। ओके ये फेस लाइन से, फिर यहां पे न्यूट्रल लाइन से फिर आगे बढ़ोगे तो एक 4060 डायोड मिलेगा। दोस्तों जो 4060 रहेगा दोनों न्यूट्रल लाइन से और फेस लाइन से, दोनों डायोड आपस में क्या हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा, दोनों का आपस में कैथोड यहां पे शॉर्ट हो जाएगा। दोस्तों ये शॉर्ट हो जाएगा तो यहां पे एक हाफ वेव रेक्टिफायर डायोड यहां पे तैयार हो गया। ओके फिर दोस्तों जैसे ही आगे बढ़ोगे तो एक रेजिस्टेंस मिलेगा, जो रेजिस्टेंस हमारा है ये 1 वाट में है, 1 वाट में रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू क्या है 330 के। ओके दोस्तों इस रेजिस्टेंस के बाद में वोल्टेज को ड्रॉप करेंगे, वोल्टेज को ड्रॉप करेंगे दोस्तों तो 2 सेक्शन में बटेगा। फिर आगे बढ़ेंगे एक सेक्शन में तो 820 के रेजिस्टेंस मिलेगा जो E1 के लिए रहेगा, फिर उसी लाइन से एक 820 के रहेगा जो E2 के लिए रहेगा। अब दोस्तों यहां पे बात करने वाला हूं कि मान लो कि जो 330 के है, ये 330 के रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अगर ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाता है तो क्या होता है दोस्तों कि ना E1 में पल्स जाएगा और ना ही E2 में पल्स जाएगा, तो किसका एरर कोड आएगा, E2 का हमेशा एरर कोड आता है, तो आपको बात को ध्यान देना है। अब दोस्तों मान लो कि क्या होता है कि आप रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, वोल्टेज भी सही आ रहा है, तो कौन सी रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाओगे E2 में। तो सबसे पहले दोस्तों जो 4060 डायोड का जो वहां पे 2 ठो लगा रहता है और दोनों का कैथोड शॉर्ट रहता है, या हो सकता है वहां पे 330 के इसमें लगा है, कोई और कंपनी में 470 के लगा होगा, तो उसको वैल्यू को बढ़ाना है। ओके कैथोड पॉइंट जो डायोड का कैथोड पॉइंट शॉर्ट होता है उसके बाद जो भी रेजिस्टेंस लगा होगा उसकी वैल्यू को बढ़ाना है हाई वोल्टेज के लिए, तो आपका यहां पे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर दोस्तों मेरे चैनल पे आप नए आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों इसी टाइप से वीडियो एक दिन के गैप में YouTube में अपलोड होते रहता है, तो आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों अगर आपके घर के नजदीक जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप होते हैं, आपके मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक शॉप जो होता है वहां पर इंडक्शन का कंपोनेंट अवेलेबल नहीं होता है, तो मेरे से आप घर बैठे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। दोस्तों इसका प्रोसेस क्या होता है, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं और इसका प्रोसेस आपको बता रहा हूं कि कैसे ऑर्डर करना है। ओके दोस्तों क्या करना है, आपको गूगल में जाना है, गूगल में जाने के बाद दोस्तों वहां पर rajinduction.com को सर्च करना है। जैसे वहां पर सर्च करोगे तो वहां पर मेरा एक वेबसाइट खुलेगा, वहां पर शॉप नेम में जाना है, शॉप नेम में जाने के बाद दोस्तों मेरे को देख सकते हो ऊपर में ओरिजिनल IGBT, ओल्ड IGBT, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, जितने सारे इंडक्शन के कंपोनेंट होते हैं मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे, और कितना प्राइस में कितनी क्वांटिटी लेनी सब वहां पर लिखा रहता है। दोस्तों अब ऑर्डर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑर्डर यहां पर ऑर्डर लिस्ट बनाना पड़ेगा कॉपी पेन में, और मेरे को वहां पर व्हाट्सअप देखते हो वहां पर व्हाट्सअप करना पड़ेगा। दोस्तों आप जैसे ही मेरे कंपोनेंट का ऑर्डर मेरे पास करते हो तो 6 घंटे के अंदर मैं आपको एक बिल सेंड करूंगा, जो आपको बिल को वहां पर देखना है। अगर मान लीजिए मेरे ऊपर भरोसा होगा तो पहले पैसा पे करना पड़ेगा। अमाउंट पे करने के लिए दोस्तों बिल के नीचे में आप देखेंगे कि वहां पे मेरा अकाउंट नंबर फोन पे गूगल पे अवेलेबल है। तो दोस्तों अमाउंट पे करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो एड्रेस और लोकेशन आपको मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना पड़ेगा, 10 से 15 दिन के अंदर में आपके घर तक आपका सामान पहुंच जाएगा। ओके दोस्तों आज के वीडियो के लिए दिल से धन्यवाद। मैं